भारत एक बार फिर से दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है और अभी पूरी दुनिया में सामने आ रहे मामलों में से 38% से अधिक मामले केवल भारत में सामने आ रहे हैं। ये पूरी महामारी के दौरान वैश्विक मामलों में किसी भी एक देश की सबसे अधिक हिस्सेदारी है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार एक महीने पहले वैश्विक दैनिक मामलों में भारत की हिस्सेदारी मात्र 9% थी। दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है भारत। पूरी दुनिया में भारत कोरोना वायरस महामारी से दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है और कुल संक्रमितों के मामलों में केवल अमेरिका उससे आगे है। यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में अब तक 3.21 करोड़ लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है और 5.73 लाख लोगों की मौत हुई है। वहीं भारत में 1.76 करोड़ लोगों को संक्रमित पाया जा चुका है और 1.98 लाख लोगों की मौत हुई है। 1.44 करोड़ संक्रमितों के साथ ब्राजील तीसरे स्थान पर है। भारत में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 25% से अधिक। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट से भी भारत में महामारी के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है। भारत में अभी औसतन 25% पॉजिटिविटी रेट है और कई राज्यों में तो ये 30-35% से भी अधिक है। इसकी तुलना में अभी अमेरिका में 7% और ब्रिटेन में मात्र 0.2% टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार महामारी को नियंत्रित करने के लिए पॉजिटिविटी रेट 5% से कम होनी चाहिए। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।